Hello everyone, today we will discuss about prochlorophytes and gram-positive bacteria. तो अभी तक हमने ये जो सारे gram-negative bacteria के बारे में देखा, जो cyanobacteria के बारे में देखा और जो algae थी, ठीक है, उसके बारे में देखा. तो ये उसका जो gram-negative bacteria है उसका ये last portion है, जो cyanobacteria उसमें जो algae है वो include होती है, ठीक है. तो algae के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो मॉनसून की सीज़न हो उसमें कई ऐसे पुराने वॉल हो तो उसमें कई बार जो वाटर उसमें ज़्यादातर रहता है तो एल्गी प्रोड्यूस होती है, ग्रीन एल्गी, ठीक है. तो कई ऐसी हमने जगह भी देखी जो उसकी हॉट स्प्रिंग होती है तो उसमें अलग अलग कलर की एल्गी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि ब्राउन एल्गी हो, ब्राउन ऑरेंज एल्गी हो, ग्रीन एल्गी हो, ऐसी, ठीक है. तो ऐसी कई तरह सी एल्गी, डिफरेंट टाइप की जो एल्गी होती है वो प्रोड्यूस होती है. जैसे ही जैसा एनवायरनमेंट होते हैं उसे जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल एनवायरनमेंट उसे मिलता है तो वहाँ पर एल्गी प्रोड्यूस होती है. तो ये प्रोक्लोरोफाइट्स है, एक वन टाइप की एल्गी है, ठीक है. जैसे कि बात करें तो उसमें कई ऐसी एल्गी भी है, प्रोक्लोरोफाइट में एल्गी भी होती है और कई सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है. तो उसके बारे में डिटेल में देखें, अनलाइक साइनोबैक्टीरिया, ये थोड़े साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नहीं है, दिस यूनिसेल्युलर, ये तो यूनिसेल्युलर है फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसका शेप के बारे में देखें तो ये उसका शेप स्पेरिकल होता है, ठीक है. और ये स्पेरिकल ऑर्गेनिज्म है और दूसरा क्या है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है. और उसके कंटेन में क्लोरोफिल बी इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए. मोर एवर द लैक फाइकोबिलिन, ये फाइकोबिलिन क्या है, जो एक पिगमेंट होता है, ठीक है. फाइकोबिलिन होता है वो एक तरह सा अलग टाइप की एल्गी है जो ग्रीन ऑरेंज ऐसे दो तीन कलर मल्टी टाइप के जो कलर में प्रोड्यूस होने वाली एल्गी होती है और वो रेयर केस में दिखाई देती है, ठीक है. तो ये फाइकोबिलिन पिगमेंट्स जो उसमें ये जो प्रोक्लोरोफाइट्स है, ठीक है, उसमें प्रो जो फाइकोबिलिन होते हैं पिगमेंट वो नहीं होता. और फाइकोबिलिन पिगमेंट के बारे में देखें तो ये डिफरेंट टाइप की एल्गी होती है, ठीक है. जैसे कि वो कैसा कलर है उसका, जो सेल की बात करें तो सेल कैसे कलर अपीयर करता है, ग्रास ग्रीन कलर या तो रेदर देन ब्लू एंड ग्रीन कलर. तो मैं आपको फाइकोबिलिन पिगमेंट की ये दो तीन आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. ये फाइकोबिलिन पिगमेंट से आप देख सकते हो कई सारे ऐसे जो ब्लू ग्रीन कलर है या ग्रास ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, ठीक है. तो ये पिगमेंट रेयरली केस में पाए जाते हैं. अब देखें तो ये प्रोक्लोरोफाइट है, लिव इन एसोसिएशन विथ सर्टेन मरीन इन्वर्टिब्रेट, यानी कि कोई मरीन वाटर होता है, सी वाटर की बात करें, ठीक है, उसके बॉटम में ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, यानी कि एक टाइप की जो बैक्टीरिया होता है, एल्गी होती है, ठीक है. तो ये मरीन बोटल में जो बॉटम होती है उसमें प्रेजेंट होता है, उसे हम एसिडियंस कहेंगे, ठीक है. तो हैव नॉट येट बीन कल्चर्ड. तो मैं आपको ये एसिडियन की एक पिक्चर दिखाती हूँ. ये एसिडियन है जो मरीन वाटर के बॉटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब देखें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट देम हैज़ बीन ऑब्टेंड ओनली बाय स्टडिंग देम इन देयर नेचुरल सिम्बायोटिक स्टेट और बाय एनालिसिस ऑफ सेल्स मैकेनिकली रिमूव्ड फ्रॉम देयर होस्ट. तो क्या होता है, ये एक सिम्बायोटिक जो स्टेट होता है, ठीक है, एक नेचुरली ग्रो होने वाले जो एक प्लेस हो वहाँ पर ये पाए जाते हैं और होस्ट सेल की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती. तो क्या होता है, वो सिंगल एक जीनस ही प्रेजेंट रहती है. तो
तो ओनली अ सिंगल जीनस इज अ रिकोगनाइज प्रोक्लोरोन। तो ये प्रोक्लोरोन क्या है उसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक जो प्रोक्लोरोन की है, ठीक है, जो ग्रीन कलर की एक बैक्टीरिया होते हैं। अब देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन दिस यूनिट हैव अ सिंपल मॉर्फोलॉजी एंड नॉन फॉर्म प्रोस्टेशिया सीट्स और सिस्ट। तो ये प्रोस्टेकिया है, ये सीट्स है और ये सिस्ट, उसकी मैं पिक आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जो बर्जिस था, ठीक है, दे आर इंक्लूड इन बर्जिस मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टेरियोलॉजी। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैक्टेरियोलॉजी के बारे में, तब उसने एक मैनुअल दिया जो बर्जिस मैनुअल से अब हम जानते हैं। तो ये ऐसे जो उसने कई ये ऑर्गेनिज्म है उसने कई सारे उसने फीचर्स दिए, तो ऐसे जनरल फीचर्स के बारे में आपको बता दूँ। तो फर्स्ट है सम जेनेरा फ्रॉम हीट रजिस्टर एंडोस्पोर्स। तो कोई ऐसे जेनेरा होते हैं यानी कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि सीधी बात है कि हीट रेजिस्टेंट हो मतलब कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो होने वाले बैक्टीरिया। तो उसे हाई टेम्परेचर अगर हम दे तो क्या होता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, वो किल नहीं हो सकता क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर ग्रो होने वाले बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि हॉट स्प्रिंग हो जहाँ पर, यहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। सेकंड है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव अ रेगुलर यूनिफॉर्म शेप बट सम आर प्लियोमॉर्फिक। तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, कोई एक ही शेप में होते हैं, ठीक है, तो कोई बात करें तो कोई रोड शेप में होता है और स्पाइरल में होता है, ऐसे एक चेन टाइप का होता है, एक ही शेप में होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी जेनेरा होते हैं जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी शेप होता है, उसका जो कलराइजेशन होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये पॉलीमॉर्फिक होता है। थर्ड है दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकर सिंगली इन पेयर और इन चेन। तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी अरेंजमेंट हम देखें तो या कोई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगल टाइप में पाए जाते हैं और कोई पेयर में होता है, ठीक है, तो ऐसे चेन बनाता है, सिंगल होके एक चेन बनाता है और पेयर में रहने पर वो चेन बनाता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इन ट्रिकोम्स एंड अदर फ्रॉम ब्रांचिंग हाइफा। तो ये बैक्टीरिया है उसकी अरेंजमेंट देखे तो ये ट्रिकोम्स टाइप की होती है और ब्रांचिंग टाइप की होती है हाइफा। तो ये हाइफा के बारे में मैं आपको बाद में उसकी भी एक पिक बता दूंगी, ठीक है। तो ये एक हाइफा है, एक फंजाई है, ठीक है। तो ये फंजाई क्या करती है, जब उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, किस तरह का प्रोडक्शन होता है, वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये एक टाइप की फंजाई है। द मोटाइल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस कैटेगरी हैव अ फ्लैजेला। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल टाइप का है तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। एंड लास्ट है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ मेनली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये बैक्टीरिया अगर रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, हमने अभी बात की हाइफा के बारे में जो फंजाई है, ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन करता है, किस तरह का रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन करके और वो उसमें ट्रांसवर्स का प्रोसेस होता है, यानी कि ट्रांसवर्जन होता है, किस में, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। हावेवर मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय कोनिडियोफोर्स प्रोडक्शन
can occur in several genera. Saprophytes and parasite are also included. अब क्या होता है, ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये उसमें जो सारी ये प्रोसेस होती है, ठीक है, वो चाहे सेफ्रोफाइट हो यानी कि स्वयं पोषी हो, या तो पैरासाइट यानी कि परपोषी हो बैक्टीरिया, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे जो बैक्टीरिया है उसकी मैं आपको पिक बताती हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये प्रोस्थेसिया है और ये सीथ है, ठीक है, और ये सिस्ट है। तो ये सिस्ट का स्ट्रक्चर है और ये ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होती है सिस्ट, ठीक है। तो ये सिस्ट का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। अब देखें तो हाइफा जो एक आल्गी है, ठीक है, फंजाई है, और ये कोनिडियोस्पोर है, ठीक है। अब देखें तो ये है बर्जिस का जो मैनुअल दिया था, बर्जिस मैनुअल है, ठीक है। तो उसमें दोनों टाइप के बैक्टीरिया है, सेप्रोफाइट हो या तो पैरासाइट हो, ठीक है, सारे बैक्टीरिया इंक्लूड करके उसने एक मैनुअल दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में, तो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो एक सेक्शन है जो सारे बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई हो या एंडोस्पोर हो, रोड शेप के हो, ठीक है, रेगुलर शेप के हो, सारे बैक्टीरिया है और उसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो उसने यहाँ दी गई है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो मे हैव स्ट्रिक्टली रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो उसकी मेटाबॉलिज्म देखें तो एक रेस्पिरेटरी टाइप की होती है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन आता है तो किसकी वजह से आता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू आता है, ठीक है। और अ रेस्पिरेटरी प्लस अ फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म और अ स्ट्रिक्टली फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म, इन द लेटर कैटेगरी दे मे बी एबल टू ग्रो इन एयर, एरोटोलरेंट और दे मे बी एनरोबिक। यानी कि ये जो कोकाई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पर ग्रो होते हैं, ग्रो होने में कहाँ एबल होते हैं, ठीक है, थीके? तो ये एयर में ग्रो होते हैं, ठीक है, थीके? जो हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें ग्रो होने वाले बैक्टीरिया है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम एक हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जब हम सांस खींचते हैं या तो फिर लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, ठीक है, थीके? तो क्या होता है, अगर हमारे आसपास एनवायरनमेंट में ये जो सारे बैक्टीरिया अगर मौजूद होते हैं तो क्या होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम में चला जाता है। तो अगर ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक है तो वो डिजीज़ कोज कर लेता है, ठीक है। आप अब कोरोना की बात कर लो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कोई अगर पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, अगर वो कोई खांसता है या छींकता है तो क्या होता है, उसके आसपास एनवायरनमेंट में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे नोज़ में भी चला जाता है और हमें भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कोकाई है एयर में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया, अगर ये पैथोजेनिक होता है, ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इन्फेक्शन लाता है और स्वेलिंग करता है, मतलब कि सूजन लाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एंडोस्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो उसके बारे में देखें तो ये एंडोस्पोर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मेनली रोड शेप में होते हैं, लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कोकाई टाइप में भी होते हैं। उसकी रेंज देखें तो रेंज फ्रॉम एरोबिक टू फैकल्टेटिवली एनारोबिक टू एनारोबिक, ठीक है। मोस्ट टू द एनारोब्स लिव बाय फर्मेंटेशन बट सम रेस्पायर एनारोबिकली विथ सल्फेट। तो ये क्या होता है, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक
में रहने वाले होते हैं, ठीक है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है इसमें। और कई ऐसे भी होते हैं जो एनरोबिकली विद सल्फेट का, जो सल्फेट का जहाँ प्रोडक्शन वद्दू यानी कि ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। और नेक्स्ट है नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड एंड रेगुलेटर, ये जो रेगुलर सेप, तो ऐसे बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक देखे, द सेल्स हैव अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस विदाउट स्वेलिंग ब्रांचिंग और अदर टाइप ऑफ वेरिएशन, सम अकर इन कैरेक्टरिस्टिक ट्रिकोम्स एरोब्स फैकल्टेटिव एनरोब्स और एरोबिक एरोटोलरेंट एनरोब्स आर इंक्लूड। तो ये बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं उसकी जो हम देखें तो क्या होता है, वो विदाउट ब्रांचिंग होता है, ठीक है, और उसमें कई सारा वेरिएशन होता है, ठीक है, और ये जो ट्रिकोम्स टाइप के होते हैं, और ये बैक्टीरिया स्वेलिंग लाने में बहुत उसका रोल होता है। स्वेलिंग के बारे में अगर आपको पता हो तो सूजन आ जाती है, ठीक है, अगर हमारे आँख में भी सूजन आती है, उंगली में आती है, कई जगह पर सूजन आ जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, ये बैक्टीरिया होता है। और नेक्स्ट है नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड ऑफ इरेग्युलर सेप, ठीक है, अब रेगुलर के बारे में तो हमने देखा कि जो एक टाइप में ही होते हैं, ब्रांचिंग होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, उसका जो वेरिएशन वेराइटी होती है, ठीक है, अब इरेगुलर जो इरेगुलर शेप के बारे में देखे, द सेल में एग्जिबिट स्वेलिंग वाई और वी शेप रोड या तो कोकस साइकल्स और अदर डिविएशन फ्रॉम अ यूनिफॉर्म मॉर्फोलॉजी, सम आर फिलामेंटस ड्यूरिंग अ लिस्ट सम स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ, एरोब फैकल्टेटिव एनरोब एरोबिक जेनेरा आर इंक्लूड। तो ये बैक्टीरिया दो टाइप में होते हैं, या तो वाई और वी शेप में होते हैं, यानी कि जो रोड शेप में भी होते हैं, कोकस टाइप में भी होते हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म लाइक उसमें हमने कहे ना कि एक सारे सेम शेप में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या बैक्टीरिया है, स्वेलिंग्स लाता है, ठीक है, तो एग्जिबिट स्वेलिंग करता है, और ये बैक्टीरिया भी कई जगह पर जो सूजन आ जाती है तो ये बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं माइकोबैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरिया क्या है, एरोबिक स्लाइटली कर्व्ड और स्ट्रेट रोड विच समटाइम्स शो ब्रांचिंग स्ट्रेट एसिड फास्ट। तो ये बैक्टीरिया मेनली हम देख सकते हैं कर्व में होते हैं या तो स्ट्रेट रोड शेप में होते हैं, लेकिन कई बार ये बैक्टीरिया ब्रांचिंग टाइप का उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और दिखाई देते हैं, ठीक है, और ये जो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो उसमें अगर एसिडिकली जो उसके कल्चर में आ जाए तो उसका ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रांचिंग शेप में भी पाए जाते हैं। अब देखें तो नो कार्डियोफॉर्म की बारे बात करें तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म दैट एंड द टेंड और फॉर्म अ सबस्ट्रेट माइसिलियम एंड समटाइम्स एन एरियल माइसिलियम। ये माइसिलियम कुछ नहीं है, एक फंजाई है, ठीक है, उसकी में भी आपको पिक दिखाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो वाइट कलर की एक फंजाई होती है, ठीक है, तो माइसिलियम है और एरियल माइसिलियम, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस, उसके जो डिफरेंस है आपको पिक देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि माइसिलियम होती है एक पतली सी होती है, ठीक है, और एरियल माइसिलियम है वो छोटी सी होती है लेकिन एक झुंड बना के थोड़े थोड़े एक बहुत लार्ज नहीं होती लेकिन थोड़े थोड़े लंबाई होती है और झुंड में ग्रो होने वाली होती है, ठीक है। द हाइफा, ये हाइफा भी एक फंजाई है,
तो ऐसे फ्रेगमेंट बनाती है ये जो एरियल माइसिलियम होती है और माइसिलियम होती है, ठीक है, इनटू रोड शेप और कोकोइड एलिमेंट। ठीक है, तो वो रोड शेप में या तो कोकोइड शेप में ये एलिमेंट्स बनाती है। तो कोनिडियोफोर में डेवलप फ्रॉम द एरियल हाइफा। तो ये कोनिडियोफोर है वो कहाँ से डेवलप होता है, एरियल हाइफा जो एक फंजाई है उसमें। ठीक है, तो ये बात थी जो बर्जिस मैनुअल था उसकी। ये माइसिलियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फंजा है आप देख सकते हैं, ठीक है, ये माइसिलियम है और ये एरियल माइसिलियम है। ठीक है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोस्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।